ये है आमरस भाई का राज। तस्वीरों को टेक्नोलॉजी के सहारे तोड़ मरोड़ के ये चांद मामा तो सबको बेवकूफ बना रहा है। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। पकड़ो। अरे मुझे नहीं, उसे। अब तुम यहाँ बंद रहोगे और मैं बनाऊंगा लोगों को मामू। ऊपर है चंदा मामा और नीचे तेरा गंदा मामा। तो हम चांद पर जाने को तैयार हैं? ओए ना जी, उपतीजा थोड़ी देर में आने वाला है। जब तक वो नहीं आता मैं चांद पर नहीं चलूंगा। ये क्या मुसीबत है। भतीजा तो इसके पहले की फ्लाइट से ही चांद के लिए निकल गया। देखो ये रहा उसका लॉलीपॉप जो वो यहाँ भूल गया। हाँ, वो लॉलीपॉप तो भतीजे का ही है। ठीक है तो फिर चलते हैं। ये लो तुम्हारे आधे पैसे, बाकी चांद पर पहुँचने के बाद। हम चांद पर पहुंच गए इतने जल्दी। बिल्कुल, ये तो हूबहू धरती जैसा ही लग रहा है। ओए भतीजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई चांद बहुत बड़ा है ना, यहीं कहीं गया होगा। चिंता मत कीजिए, आ जाएगा। पासवर्ड क्या हो सकता है? हाँ चांद। वैसे मैंने तो सुना था चांद पे ग्रेविटी कम होती है तो लोग हवा में उछलते रहते हैं। ये तुम कूद क्यों रहे हो? चांद पर ग्रेविटी कम होती है ना, इसीलिए हम हवा में उछल रहे हैं। पर क्या आप सब हवा में उछल नहीं रहे? इसका मतलब है आप लोगों में कुछ न कुछ गड़बड़ है और आपको वापस धरती पर भेजना पड़ेगा। वापस धरती पर? नहीं नहीं नहीं,